हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? एसजीपी की लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं मैं। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने एसजीपी में अपने चार चैप्टर फिनिश कर लिए हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, जल्दी से बताओ, बिल्कुल सीक्वेंस में बताना कि हम लोगों ने क्या क्या चीज़ स्टडी की एसजीपी में। देखिएगा, सबसे पहले हम लोगों ने एसजीपी में स्टडी किया, क्या किया सबसे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था भैया, वो पढ़ा था, बताओ बताओ जल्दी बताओ, इंट्रोडक्शन टू स्विच गियर्स। मतलब के स्विच गियर का जो इंट्रोडक्शन था वो हम लोगों ने सबसे पहले चैप्टर में जाना था। दूसरे चैप्टर में जाने थे हमने फॉल्ट्स और उन फॉल्ट्स का डिटेक्शन, और फिर हमने फॉल्ट्स को कैलकुलेट करना जाना था दूसरे चैप्टर में। तीसरे चैप्टर में हम लोगों ने जाना था फ्यूज। चौथे चैप्टर में हम लोगों ने जाना था क्या जाना था, सर्किट ब्रेकर। उसके बाद पांचवा चैप्टर आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है रिले। क्या है इसका नाम? है रिलेज। क्या है इसका नाम? इसका नाम है रिले। तो ये जो रिले है, एक ऐसा स्विच गियर होता है, या फिर देखा जाए तो अभी तक हमने अपने सारे के सारे स्विच गियर्स को स्टडी कर लिया है, और अब हम लोग उनकी प्रोटेक्शन के बारे में सोच रहे हैं, उनका कुछ ख्याल रखना है। कि हमने ये तो जान लिया कि क्या स्विच गियर होता किस प्रकार से, लेकिन अभी उनकी सुरक्षा और उनके रख रखाव के बारे में बात करनी है, या फिर उनके ऑपरेटिंग के बारे में बात करनी है फिलहाल हमको। तो मैं आपको बताऊं भैया, रिले एक ऐसा उपकरण है, ऐसा डिवाइस है जो सिर्फ फॉल्टी कंडीशन को सेंस करता है, इसके अलावा कुछ नहीं करता। मतलब मान लीजिए कि अगर कहीं पर फॉल्ट आया तो रिले उसको सेंस करेगा, और उसके बाद सर्किट ब्रेकर को सिग्नल देगा। जैसे बहुत छोटे से एग्जांपल के तौर पर हम समझ सकते हैं कि पुलिस चोर को पकड़ने का काम करती है लेकिन सजा नहीं दे सकती। पुलिस जो है वो आपकी चोर को पकड़ने का काम करती है, वैसे ही हमारा रिले जो है, रिले को एज अ पुलिस कंसिडर करो, फॉल्ट को एज अ चोर। तो रिले चोर को पकड़ सकती है, लेकिन उस चोर का करना क्या है, चोर के बाद क्या प्रभाव होगा, ये सारे के सारे काम कोर्ट पर छोड़ देती है, यानी कि सर्किट ब्रेकर पर छोड़ देती है। तो रिले एक ऐसी डिवाइस जो आपकी किसी भी फॉल्टी कंडीशन को डिटेक्ट करती है, सेंस करती है, पकड़ लेती है, उसके बाद सर्किट ब्रेकर को सिग्नल भेजती है कि भैया यहाँ थोड़ी गड़बड़ है, आप जल्दी से अपने कॉन्टैक्ट ओपन कर दो। तो सर्किट ब्रेकर अपने कॉन्टैक्ट ओपन कर देता है और वो आगे का सर्किट जो है वो सेफ हो जाता है। इस प्रकार से रिले हमारा एक प्रोटेक्टिव डिवाइस हो गया, और बेसिकली हम इस चैप्टर में जितने भी रिलेस के बारे में बात करेंगे, उन सभी को कहा गया है प्रोटेक्टिव रिले। क्या कहा गया है? प्रोटेक्टिव रिले। क्योंकि देखिए, हम यहाँ पर उस वाली रिले की बात नहीं कर रहे हैं जो नॉर्मल सी रिले होती है, हम यहाँ पर केवल प्रोटेक्टिव रिले की बात कर रहे हैं, जिसको हिंदी में रक्षण रिले कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रक्षण रिले। तो प्रोटेक्टिव रिले यानी कि रक्षण रिले, नाम से पता लग रहा है, एक ऐसा रिले जो प्रोटेक्शन करने के काम आएगा, हमारा प्रोटेक्टिव रिले कहलाएगा। अब प्रोटेक्शन किसकी, या फिर क्या रिले किसी और काम में भी आते हैं? तो हाँ बिल्कुल, रिले और भी कई सारे काम में आते हैं, लेकिन प्रोटेक्टिव का मतलब है कि वो ऐसी चीज़, एक ऐसा रिले जो किसी स्विच गियर, एक ऐसा रिले जो किसी स्विच गियर की प्रोटेक्शन में काम आए, उससे प्रोटेक्टिव रिले कहते हैं। सही है भैया, नॉर्मल से डेफिनेशन है, जो किसी भी स्विच गियर की प्रोटेक्शन में काम आए वो आपकी
प्रोटेक्टिव रिले कहलाएगी। रिले के बारे में कुछ बातें जान लेना जरूरी है, क्योंकि ये जो चैप्टर है भैया ये आपका कम से कम 10 मार्क्स कैरी करता है एग्जाम में। काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है बच्चे, क्या 10 मार्क्स, तो ये आपका 10 मार्क्स एग्जाम में कैरी करता है सर्किट ब्रेकर। और ये सर्किट ब्रेकर 10 मार्क्स अलग और ये 10 मार्क्स अलग। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन दूंगा मैं नोट्स में बना बना करके, आप चिंता मत करो उस बात की, फिलहाल समझ लीजिए बस। तो इसीलिए इस चैप्टर के हम लोग 2 लेक्चर लेंगे। आज के लेक्चर में मैं बेसिक और टाइप्स दोनों बता के जाऊँगा, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में आपको उन टाइप्स में से कुछ प्रकार के रिले को समझाया जाएगा, एक्सप्लेन किया जाएगा। तो जो बेसिक प्रोटेक्टिव रिले है उसकी वर्किंग को समझना है अगर हमको, तो एक छोटा सा डायग्राम के थ्रू उसकी वर्किंग को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए मान लीजिए, इसको थोड़ा मिटा देता हूँ मैं ताकि हम अपने डायग्राम को और भी अच्छे से थोड़ा बड़ा बना सकें। तो मैं केवल उस बेसिक प्रोटेक्टिव रिले के वर्किंग को एक डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिए अब मतलब आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये रहा हमारा सर्किट ब्रेकर, अकेले तो ये कभी भी ऑपरेट होगी नहीं, हमेशा सर्किट ब्रेकर के साथ ही ऑपरेट होगी। और ये रहा कोई नॉर्मल सा सर्किट। अब मान लीजिए कि यहाँ पर जा कर के इसमें फॉल्ट हुआ है, ये हुआ है इसमें फॉल्ट, और ये हमारा CT की कॉइल है। क्या है भैया, ये हमारी हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि ये हमारी CT की कॉइल है, ठीक है, हमने मान लिया कि ये हमारी CT की कॉइल है। तो यहाँ पर अपनी एक रिले कॉइल लगा दीजिए, चलिए यहाँ पर हमारी रिले कॉइल लगी हो गई, मतलब प्राइमरी पर कुछ नहीं और सेकेंडरी पर हमने अपनी रिले कॉइल लगा दी है CT के साथ। तो ये हो गया हमारा CT, ये हो गया हमारा CB और ये हो गया हमारा BB। BB मतलब बस बार, CT, CB और BB, इसीलिए ये हो गया, इसको पूरा लिख देते हैं। बीवी नहीं है हमारी, हम अभी अनमैरिड है भैया, अभी शादी नहीं हुई हमारी। तो ये हमारी बस बार है, ये CB सर्किट ब्रेकर है, CT करंट ट्रांसफॉर्मर है। उसके बाद ये आपका जो ट्रिपिंग कॉइल रहती है वो ट्रिपिंग कॉइल मैं यहाँ बना देता हूँ, लीजिए ये बना दी मैंने ट्रिपिंग कॉइल, ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड रहती हैं। और ट्रिपिंग कॉइल जो रहती है वो बच्चे आपकी सर्किट ब्रेकर से कनेक्ट रहती है, क्योंकि जब ट्रिप करेगा सर्किट तो ट्रिप करने के बाद होगा क्या कि वो जब सर्किट उसको ट्रिप कर देगा, यानी कि जब ट्रिपिंग कॉइल सर्किट ब्रेकर को सिग्नल देगी तभी तो सर्किट ब्रेकर अपने कॉन्टैक्ट ओपन करेगा। और ये एक सप्लाई से कनेक्टेड रहती है, AC या DC कोई भी सप्लाई हो सकती है इसकी। ये लीजिए पूरा कॉन्सेप्ट ख़त्म। यहाँ पर दो कॉन्टैक्ट होते हैं जो रिले के लगे रहते हैं। क्या होता है भैया, यहाँ पर भैया दो रिले के कॉन्टैक्ट लगे रहते हैं। क्या होते हैं, यहाँ पर दो रिले के कॉन्टैक्ट लगे रहते हैं। ये लीजिए पूरा डायग्राम, ये लीजिए, ये बिल्कुल क्लियर हो गया। ये ट्रिपिंग कॉइल है, सही है। तो अगर हम बात करें एक बेसिक रिले के ऑपरेशन की, तो एक बेसिक रिले के ऑपरेशन को मेनली 3 प्रकार के सर्किट्स में क्लासिफाइड किया जाता है, जैसा कि आप लोग बुक में पढ़े रहे होंगे, बुक है अगर आपके पास तो, वरना PDF भेज दूंगा मैं। तो उसमें 3 प्रकार के सर्किट्स में क्लासिफाइड किया जाता है। एक रहता है सप्लाई सर्किट, ये नॉर्मल सप्लाई चल रही है। दूसरा रहता है रिले, ये आपकी रिले कॉइल है। और तीसरा रहता है ट्रिपिंग सर्किट। तो मतलब केवल क्लासिफाइड किया गया ताकि हम थोड़ा सा आसानी से उसको समझ लें, वरना है कुछ नहीं, है वही नॉर्मल सा। तो ये बस बार से फीटर निकलते हैं, जैसे कि हम लोग जानते हैं नॉर्मली, जब हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था बस बार क्या होता है। तो बस बार से सर्किट ब्रेकर में सप्लाई जा रही है, यहाँ पर इसको देखें तो इसको समझना बहुत आसान है कि बस बार से सर्किट ब्रेकर में सप्लाई जा रही है, सर्किट ब्रेकर से CT के थ्रू होती हुई आगे को लाइन को पास हो जा रही है, ये नॉर्मल सा फीडर है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर इसमें एक फॉल्ट डिटेक्ट हुआ है, मतलब फॉल्ट हुआ है, तो जहाँ पर फॉल्ट हुआ है वहाँ पर अगर रिले लगी है उससे पहले, तो रिले में क्या होगा कि फॉल्टी कंडीशन में क्या चीज़ फॉल्ट जो अच्छा ये बताओ जो फॉल्ट होता है तो हमको मिलता क्या है बेसिकली, जब कभी फॉल्ट होता है तो उस फॉल्ट की कंडीशन में हमको मिलता क्या है,
क्या मिलता है बाबा जी को? ठुल्लू? नहीं नहीं नहीं, हमको मिलता है ओवर करंट। हमेशा कभी भी किसी भी फोल्ट की कंडीशन में हमको मिलता है ओवर करंट। इसका मतलब ये जो रिले कॉइल है, इस रिले कॉइल से एक ओवर करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, और जब ये ओवर करंट फ्लो होगा तो ये जो कॉन्टैक्ट हैं, ये कॉन्टैक्ट आपके शॉर्ट हो जाएंगे और आपस में मिल जाएंगे। उसके बाद अब इसमें ट्रिपिंग कॉइल में भी एक करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, और जब ट्रिपिंग कॉइल में एक करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा तो वो आपकी सर्किट ब्रेकर को सिग्नल देगी, और सर्किट ब्रेकर अपने कॉन्टैक्ट ओपन कर देगा। अगर ये कॉन्टैक्ट इसके बंद थे तो ये इन कॉन्टैक्ट को ओपन कर देगा, और जब इसके कॉन्टैक्ट ओपन हो जाएंगे तो आगे के सर्किट यानी कि एफ जहाँ पर हमारा फॉल्ट हुआ है उसको सप्लाई मिलनी बंद हो जाएगी। इस प्रकार से सर्किट ब्रेकर ने फॉल्टी कंडीशन में सर्किट को ब्रेक किया, लेकिन किया किसकी मदद से? किया है रिले की मदद से। ट्रिपिंग कॉइल और रिले की, रिले एक ही, पूरी रिले है, ये पूरा सेक्शन रिले का है, रिले की मदद से। फिर से समझ लीजिए एक बार पूरा प्रोसेस क्या है। देखिए बस आ रही है, रही यहाँ से सप्लाई आ रही है सर्किट ब्रेकर के थ्रू होती हुई, और सीटी के थ्रू होती हुई आगे को लाइन में जा रही है। अब मान लीजिए ये एफ पॉइंट पर फॉल्ट हुआ, तो फॉल्ट होने से हमको एक चीज़ मिलती है, वो होती है ओवर करंट। हमेशा जब भी कभी कोई फॉल्ट होता है तो वहाँ पर इसी तरीके से लिखना है, मतलब इस तरीके से लिखा जाएगा एग्जाम में। देखिए मैं जो बता रहा हूँ उस तरीके से आप एग्जाम में लिखना, फैला फैला के, जितना फैला के लिखोगे उतना फ़ायदा है। देखिए यहाँ पर मैं आपको कुछ रटा दूँ, अगर मैं आपको चाहता तो नोट्स कॉपी पे मेरे बने हुए उसका वीडियो ले लेता, आपको फिर रटा देता, लेकिन नहीं, ये पर्पज नहीं है। पर्पज है कि आपको समझना कैसे है। तो ये डायग्राम समझ लीजिए बसवार का, वो रिले का बेसिक प्रिंसिपल कि बसवार सप्लाई आई, सर्किट ब्रेकर तो लगा होगा जरूर, ऑब्वियस सी बात है, सर्किट ब्रेकर के थ्रू पास होती हुई और आगे को किसी एक सर्किट को जा रही है। अब यहाँ पर एफ पर एक फॉल्ट डिटेक्ट हुआ, फॉल्ट डिटेक्ट होने से हमको ओवर करंट मिलेगी। अब ओवर करंट जब मिलेगी तो वो ओवर करंट आपकी रिले कॉइल से फ्लो होगी। जब ओवर करंट रिले कॉइल से फ्लो होगी तो ये जो नॉर्मल कंडीशन में कॉन्टैक्ट आपके ट्रिपिंग कॉइल के खुले रहते हैं, लेकिन जब इसमें ओवर करंट फ्लो होगा तो ये कॉन्टैक्ट क्लोज हो जाएंगे। जब ये कॉन्टैक्ट क्लोज हो जाएंगे तो ट्रिपिंग कॉइल में भी एक करंट फ्लो होने लगेगा, जिससे कि ये ट्रिपिंग कॉइल इस सर्किट ब्रेकर को सिग्नल देगी कि भैया कुछ गड़बड़ है, आप जल्दी से अपने हाथ खोल दो, बचाओ हमें। अब क्या करेगा कि ये जो है अब सर्किट ब्रेकर अपने कॉन्टैक्ट्स को ओपन कर देगा, जो इसके एनओ एनसी कॉन्टैक्ट रहते हैं उनको, फिक्स और मूविंग कॉन्टैक्ट रहते हैं उनको ओपन कर देगा। और मूविंग कॉन्टैक्ट जब ओपन हो जाएगा तो यहाँ से जो सप्लाई आ रही है वो सप्लाई यहाँ से पास होना बंद हो जाएगी, और जब यहाँ से आगे को सप्लाई नहीं जाएगी इसका मतलब ये सारा सर्किट सेफ हो जाएगा। तो वर्किंग कैसे हुआ कि रिले ने ओवर करंट को सेंस किया, फिर ट्रिपिंग कॉइल के द्वारा सर्किट ब्रेकर को सिग्नल दिया, फिर सर्किट ब्रेकर ने सर्किट को ब्रेक किया। रिले ने कोई रक्षा नहीं की, रिले, ये नहीं कि रिले ने कोई सर्किट को सेफ कर लिया हो, ना ना, रिले ने केवल फॉल्ट को डिटेक्ट किया कि जब फॉल्ट हुआ था तो बस उस फॉल्टी कंडीशन को डिटेक्ट किया है रिले ने। रिले कोई ये नहीं कि भाई ये आए और बचाने लग गए, रिले इज नॉट अ सोल्जर, रिले बस केवल सलाहकार है, केवल ऑब्जर्वर है। रिले ऑब्जर्व कर रहा है, उसके बाद सोल्जर्स को हुक्म दे रहा है कि भैया बचाओ, खतरे की घंटी बज चुकी है, जल्दी से बचाइए, केवल ये बात है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आई बात समझ में? आई होप कि रिले आपको कंप्लीटली समझ में आया होगा। चलिए फिर उसके बाद बढ़ते हैं आगे, और अब हम ये जान लेते हैं कि फैक्टर्स जो रिले को इफ़ेक्ट करेंगे, वो फैक्टर्स जो हमारे रिले को इफ़ेक्ट करेंगे, भैया जल्दी से उन फैक्टर्स के बारे में जान लेते हैं बच्चों, कि हमारी रिले को क्या क्या फैक्टर इफ़ेक्ट कर सकते हैं, या क्या क्या फैक्टर इफ़ेक्ट करते हैं ऐसे कह सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो बात आती है सिलेक्टिविटी की, मतलब कि रिले को सेलेक्ट किस प्रकार से करना है, कि रिले को सिलेक्टिविटी, सिलेक्ट ई बी टी। फिर आती है बात सेंसिटिविटी की, फिर आती है बात स्पीड की, सेंसिटिविटी मतलब ये बता रहे हैं कि रिले में कैसे कैसे प्रॉपर्टीज हो, कैसे कैसे फंक्शंस हो, उसके ऑपरेटिंग फंक्शन कितने अच्छे होने चाहिए। फिर आती है बात सिंप्लिसिटी की, अभी इसको समझाता हूँ सारे के सारे में, पहले लिख दूँ एक साथ वरना फिर एक करके लिखने पड़ेंगे।
रिलायबिलिटी की। और भैया इतने काफ़ी हैं वैसे तो, खैर फिर भी अगर एक आध और देखा जाए तो इकोनॉमी लगा लीजिए। देखिए सबसे पहली बात आती है सिलेक्टिविटी। सिलेक्टिविटी का मतलब है चुनाव करने के फैक्टर्स कि आप किन बेसिस पर रिले को सिलेक्ट करेंगे। तो एक ऐसी रिले को सिलेक्ट करना चाहिए जो कि फॉल्टी कंडीशन में फॉल्ट को इजीली डिटेक्ट कर सके। सेंसिटिविटी, उसकी सेंसिटिविटी बहुत हाई होनी चाहिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा हाई सेंसिटिविटी होगी उतनी जल्दी आपकी रिले फॉल्ट को डिटेक्ट कर लेगी। याद रखिए सेंसिटिविटी जितनी ज़्यादा हाई होगी रिले उतनी जल्दी ही फॉल्ट को डिटेक्ट कर लेगी। उसके बाद स्पीड, स्पीड भी हमारी हाई होनी चाहिए, क्योंकि हाई स्पीड रहेगी तभी तो फॉल्ट को जल्दी से सिग्नल भेजेगी सर्किट ब्रेकर को, वरना स्लो स्पीड रहेगी तो भैया इतनी देर में तो वो सिग्नल भेज रहे, इतनी देर में सर्किट जल जाएगा पूरा। इतनी देर में फॉल्ट का सिग्नल सर्किट ब्रेकर को भेजा जाएगा, इतनी देर में तो बहुत नुकसान हो जाएगा। इसलिए रिले की स्पीड बहुत फास्ट होनी चाहिए। सिंप्लिसिटी, बहुत ईजी ऑपरेटिंग हो, ऐसा ना हो कि ऑपरेट होने से पहले उसको कई सारे कॉम्प्लेक्स स्टेप से गुजरना पड़ रहा है, क्योंकि अगर ऐसा होगा जबकि उसको ऑपरेट होने से पहले कई सारे कॉम्प्लेक्स स्टेप से गुजरना पड़ेगा तो वो ऑपरेट ही नहीं होगी, कॉम्प्लेक्सिबिलिटी के चक्कर में फंस कर रह जाएगी। इसलिए इसकी वर्किंग, इसकी जो ऑपरेटिंग होनी चाहिए वो एकदम सिंपल होना चाहिए। इट मीन्स टू से सिंप्लिसिटी मैटर। सिंप्लिसिटी क्या होनी चाहिए? हाई। सिंप्लिसिटी भी हाई होनी चाहिए। रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी भी हाई होनी चाहिए। एक ऐसा रिले हो जिस पर हम भरोसा कर सकें, जिसको जो रिलायबल हो। रिलायबिलिटी का मतलब रहता है विश्वसनीयता, कि एक ऐसा रिले होना चाहिए जिस पे आप विश्वास जता सकें। ऐसा ना हो कि लगा दिया और हमें खुद ही डर लग रहा है कि कहीं ये सर्किट को बचा भी पाएगा कि नहीं बचा पाएगा तो ऐसा रिले ना हो। रिले मतलब ऐसा हो जिसके ऊपर आप खुद भरोसा कर सकें। लाइक मान लीजिए कि आप किसी गाड़ी पर बैठ के जा रहे हो, आपको खुद ही भरोसा नहीं है कि वो गाड़ी आपको डेस्टिनेशन पहुंचाएगी कि नहीं पहुंचाएगी। तो इसलिए एक रिलायबल रिले हो, यानी कि उसकी रिलायबिलिटी बहुत हाई हो। इकोनॉमी, इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी की नज़र से फेयर होना चाहिए। फेयर मतलब रहता है हमारे पास अच्छा। अब ये इकोनॉमी क्या है? देखिए इकोनॉमी तो हमारा बजट होता है। सही बात तो बताऊँ मैं आपको, इकोनॉमी का मतलब रहता है कि हमारा बजट क्या है। तो ऐसा ना हो कि इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ जब हम किसी रिले की ढूंढ रहे हैं तो भैया कुछ ज़्यादा ही हाई फाई बैठ गई और बेहिसाब उसमें पैसे खर्च हो रहे हैं। इसीलिए इकोनॉमी सस्ती भी हो और साथ ही साथ उसके अंदर ये सारे के सारे फीचर्स भी होने चाहिए। आई होप कि आपको ये पॉइंट मेरे समझ में आए होंगे। बताइए कोई दिक्कत तो नहीं आ तक? उसके बाद हम लोग अब जानेंगे टाइप्स ऑफ रिले, रिले के बेसिक टाइप्स जानेंगे और उसके बाद उन टाइप्स को अगले लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी तो केवल हम लोग उन टाइप्स को बस केवल पढ़ेंगे, उनके नाम बस केवल, और कुछ नहीं, केवल नाम पढ़ने हैं कि ये टाइप्स होते हैं रिले के। ठीक है, ओके देन। यहाँ तक तो समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ तक आपको अच्छा समझ में आया होगा। कोई इतना टफ कॉम्प्लेक्स मैं बहुत ही ज़्यादा आसान बनाने की कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए इस टॉपिक को, क्योंकि देखिए इससे जो है काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। आपको खुद ही पता है, मैंने आपको बोला कि इससे 10 नंबर का पूछा जाता है, 10 नंबर का। हमेशा याद रखिएगा, इससे भैया 10 नंबर का पूछा जाता है, इसीलिए मैं इसको आसान बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप इसको अच्छे से सीख लें। ठीक है, चलिए हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रिले। टाइप्स ऑफ रिले पढ़ते हैं जल्दी से। लाइव क्लास है भैया, लाइव क्लास में आ जाया करो आप लेने, वरना मैं तो रिकॉर्ड करके डालता रहूँगा। मुझे थोड़ी ना, मुझे तो फ़ायदा है, रात को रिकॉर्ड कर लो, सुबह को डाल दो, सुबह को उठना भी नहीं पड़ेगा। तो अब बात आती है टाइप्स ऑफ रिले, रिले के प्रकार। देखिए रिले के ना अलग अलग बेसिस पर अलग अलग प्रकार हैं।
जैसे कि ऑपरेशन के बेस पर अलग हैं, उनके यूजेस एप्लीकेशन के बेस पर अलग हैं, उसके ऑपरेटिंग टाइम के बेस पर अलग हैं। तो ये ना अलग अलग प्रकार के रिले हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट डिफरेंट बेसिस। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन, ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन यानी कि प्रचालन के आधार पर, प्रचालन के आधार पर। तो भैया जो प्रचालन के आधार पर रिले होती हैं, ऑपरेशन के आधार पर रिले होती हैं, वो ये रहती हैं, जैसे थर्मल रिले हुई, जैसे आपकी गैस एक्चुएटेड रिले हुई, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये जो रिले होती हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है थर्मल रिले, इन सारे रिलेस को मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, थर्मल रिले, गैस एक्चुएटेड रिले, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिले, दुनिया की सारी मोटर्स में सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली रिले, क्योंकि यहां पर मोटर में हमारी बाइंडिंग ओवर करंट होती है, तो ओवर करंट से हीट प्रोड्यूस होती है, जिससे कि ये थर्मल रिले टेम्परेचर को सेंस करके सर्किट ब्रेकर के द्वारा सर्किट को ब्रेक कराती है। गैस एक्चुएटेड रिले, इसमें गैस भरी जाती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले, छोटे सर्किट्स में सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर वर्क करती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक रिले आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक के प्रिंसिपल पर वर्क करती है, फिर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के प्रिंसिपल पर वर्क करती है। तो थर्मल रिले इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, दोनों उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। याद रखिएगा, थर्मल रिले दुनिया की सारी मोटर्स जितनी भी होती हैं, जब उनमें हीट, देखिए उनमें क्या है कि जब चलेंगी तो हीट प्रोड्यूस होती है, चलने से भी, ओवरलोड से भी, ओवर करंट से भी, तो जो हीट प्रोड्यूस होती है उस हीट को सेंस करती है थर्मल रिले, उस हीट को, उस टेम्परेचर को सेंस करती है थर्मल रिले। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर वर्क करती है, और बाकी ये सारे के सारे। उसके बाद दूसरे पर आते हैं, दूसरा जो इसका बेस है, ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन, इन सबको समझाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में, फिलहाल के नाम बता रहे हैं इसके बारे में कितने प्रकार की होती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेटिंग टाइम, या फिर ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन करते हैं पहले, कि जो उनके यूजेस हैं उनके आधार पर, यूजेस के आधार पर क्या क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशंस, कि वो क्या क्या काम कर रही हैं उनके यूजेस के आधार पर, उपयोग के आधार पर। तो एप्लीकेशंस के बेसिस पर अगर देखा जाए तो जो हमारी रिलेज रहती हैं वो रहती हैं आपकी, रहती है ओवर करंट रिले, डिस्टेंस रिले, डायरेक्शनल रिले, डायरेक्शनल पावर रिले। ये चार प्रकार की रिले हैं ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशंस, ओवर करंट रिले, दूसरी है भैया डिस्टेंस रिले, डायरेक्शनल पावर रिले, और एक है नॉर्मल डायरेक्शनल रिले। जल्दी से बात कर लेते हैं इनके बारे में। ओवर करंट रिले, जब ओवर करंट आएगा किसी फॉल्ट की वजह से तो वहां पर ओवर करंट रिले यूज की जाएगी। डिस्टेंस रिले, जब किसी फॉल्ट कहीं दूर आ रहा है और रिले कहीं दूर से ऑपरेट हो रही है तो उसको डिस्टेंस रिले ऑपरेट करेगी। डायरेक्शनल पावर रिले, ये एक दिशा के साथ काम करते हैं और पावर सर्किट में यूज कर रहे हैं तो पावर रिले, नॉर्मल सर्किट में यूज कर रहे हैं तो डायरेक्शनल रिले है नॉर्मली। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, डायरेक्शनल रिले काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, और ओवर करंट रिले तो हमारा है ही नॉर्मल सा, ठीक है। ओवर करंट रिले सबसे ज़्यादा यूजफुल है,
और डायरेक्शनल रिले सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन पूरे 5 नंबर के आसपास का। ठीक, उसके बाद बात कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेटिंग टाइम, कि ऑपरेटिंग टाइम के आधार पर हमारी रिलेज कितने प्रकार की होती हैं। तो जो हमारी ऑपरेटिंग टाइम के बेसिस पर रिलेज हैं वो भी होती है, जैसे कि वो ऑपरेटिंग टाइम का मतलब कि वो कितनी देर में ऑपरेट हो जा रहा है, तुरंत ऑपरेट हो रहा है या फिर कितनी देर लग रही है उसको ऑपरेट होने में, उसके आधार पर जो रहता है उसको बोलते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेटिंग टाइम, ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेटिंग टाइम। इसको हिंदी में क्या कहेंगे, हिंदी में कहेंगे परिचालन समय के आधार पर, परिचालन समय के आधार पर कि वो तुरंत ऑपरेट हो रही है, थोड़ी देर में ऑपरेट हो रही है या कुछ समय के बाद ऑपरेट हो रही है, क्या क्या कहानी है इसकी। तो इसकी कहानी है जैसे कि सबसे पहले इंस्टेंटेनियस रिले, इंस्टेंटेनियस रिले, दूसरी रहती है हमारे पास डेफिनाइट डिफाइनाइट, डिफाइनाइट या फिर डेफिनाइट टाइम बोल सकते हैं इसको, डेफिनेट टाइम जो होता है ना एग्जैक्ट डेफिनेट टाइम रिले, और एक रहती है इनवर्स टाइम रिले। इसमें क्या रहता है कि इंस्टेंटेनियस रिले जैसे ही करंट आया तुरंत ऑपरेट हो जाएगी और सर्किट ब्रेकर को सिग्नल दे देगी। डेफिनेट टाइम रिले करंट आने के पर्टिकुलर 2 सेकंड, 4 सेकंड, 1 सेकंड, 1.5 सेकंड या फिर कुछ मिली सेकेंड उतनी देर तक उसमें करंट रहेगा, उसके बाद वो सिग्नल देगी। और इनवर्स टाइम रिले ये आपकी इसमें जो करंट फ्लो होता है वो इसके ऑपरेटिंग टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब कि जितना ज़्यादा करंट होगा ये उतनी जल्दी ऑपरेट कर जाएगी और जितना कम करंट होगा उतनी स्लो ऑपरेट करेगी। इस प्रकार से ये हमारे रिलेज थे ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेटिंग टाइम। ठीक है, उसके बाद कोई और बेस नहीं बचता है रिलेज का, इतने ही रिलेज काफ़ी हैं आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ के लिए, और एग्ज़ाम पर्पज़ से इन सारे रिलेज की वर्किंग में कल तक आपको समझा दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, जब भी हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वहाँ पर हम आपको इन डिटेल इसको डिस्कस कर देंगे। तो बेसिकली एक रिले और होता है जिसको हम बेसिक रिलेज के नाम से जानते हैं, यानी कि जो रिले बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती हैं उनको हम बोलते हैं बेसिक रिले। तो मैंने पहले ही बोला था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती हैं। कौन कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले काफ़ी ज़्यादा यूज़ की जा रही हैं आजकल छोटे सर्किट्स में, और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है एग्ज़ाम के लिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले दो प्रकार से वर्क करती हैं, एक करती हैं अट्रैक्शन टाइप से और एक करती हैं रिपल्शन, यानी कि एक आकर्षण और एक प्रतिकर्षण टाइप। तो इन सब को हम डिस्कस करेंगे कल अपने नेक्स्ट लेक्चर में। बस आज के लिए मैंने आपको पूरा एक आइडिया दे दिया है और रिलेज का बेसिक समझा दिया है। रिले काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 10 नंबर कम से कम करी करेगा आपके SGP के एग्ज़ाम में, इसलिए रिले के चैप्टर को ध्यान से पढ़िएगा भैया, क्लासेस को लो रेगुलरली और पढ़ाई करते रहो।